हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक सिंपल थाली जो कि बहुत ही जल्दी झटपट तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। बस 15 मिनट में आपका थाली बनके तैयार होगा। और जो लोग घर से दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं या फिर बाहर रह के काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये रेसिपी, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता है और ये रेसिपी जो है जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चावल को अच्छे से धो के साफ करके कैटल में डाल दिया है। इसके बाद 2 अंडे को भी मैंने डाल दिया यहाँ पर, और 2 अंडे डालने के बाद 1 आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। चावल, अंडे और आलू को हम एक साथ बॉईल कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। और जो लोग बाहर काम करते हैं उनके पास अपने लिए तो वक्त होता ही नहीं है, खाने के लिए भी वक्त नहीं होता है, वो लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। यहाँ पर मैंने कैटल का स्विच ऑन कर दिया। अब देख सकते हो हमारा चावल जो है वो धीरे धीरे उबाल आना स्टार्ट हो गया है। हमें इसको पकाने में बस 15 मिनट का टाइम लगेगा। और आप इसको एक हेल्दी थाली भी बोल सकते हो। जो लोग हेल्दी खाना पसंद करते हैं, बाहर रह के जंक फूड खा के जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और डेली बाहर का खाना खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे हमारा चावल जो है वो पकना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा फूल गया है इस टाइम पर। और चावल बनाना मैंने पहले भी आप लोगों को काफ़ी टाइम दिखाया है, सिखाया भी है। और यहाँ पर हमारा चावल जो है बन के तैयार हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम कैटल को पलट देंगे एक बर्तन में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा करके हम चावल निकाल लेंगे। चावल को हम यहाँ पे निकाल लिया है और अंडे को मैंने साइड में रख लिया है, छिलका उतार लिया है। और आलू को जो है आप इसको मैश करके इस पर आप नमक और थोड़ा सा आप जो आप तेल डाल के भी थोड़ा सा खा सकते हो, या फिर ऐसे ही जो चोखा होता है चोखे की तरह भी आप खा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट।